हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन। हाउ टू इंडिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक छोटा सा वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। आप में से हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर मेरा व्हाट्सएप खराब हो गया है, चल नहीं रहा है। जैसे ही मैंने नए वाले मोबाइल में अपना नंबर डाला तो कुछ इस प्रकार मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, द अकाउंट इज प्रोटेक्टेड बाई टू स्टेप वेरीफिकेशन, एंटर द पिन यू क्रिएटेड। सर कृपया जल्दी इसका समाधान बताएं, मैं क्या करूं जिससे सब कुछ सही हो जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करने के लिए अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को इनेबल कर रखा है और अगर आप लोग अपना पिन जो है वो भूल चुके हैं तो आप लोग अपने अकाउंट में दोबारा से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में कि इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक का अपने व्हाट्सएप को टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन से सिक्योर नहीं किया है तो आप लोग इसको सिक्योर कर लीजिए। अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेंगे तो फिर कोई भी आप लोगों के व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा और आप लोगों के अलावा आप लोगों का व्हाट्सएप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप लोग वहां पर से क्लिक कर इस वीडियो को देख लीजिए और अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और इनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो जहां पर इन्होंने बोला था कि अकाउंट में ये लिखा हुआ रहा जब भी अपने को दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं कि ये टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन काम कैसे करता है। यहाँ पर मान लीजिए ये आप हैं और आपने अपने व्हाट्सएप को टू स्टेप वेरिफिकेशन से इनेबल कर रखा है। अब अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप को अपने मोबाइल फ़ोन में अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर आप लोग मोबाइल फ़ोन चेंज करते हैं और दूसरे मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप चलाने की कोशिश करते हैं तो उस समय क्या होता है, आप लोगों से आप लोगों का जो पिन होता है वो पूछा जाता है। ये वो पिन होता है जब आप लोग टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं उस समय आप लोगों को ये क्रिएट करना होता है। और अगर आप लोगों ने इसको क्रिएट किया और उसके बाद आप लोग इसको भूल चुके हैं तो वहाँ पर ये देखिए दो केस होते हैं। तो जब भी आप लोग टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों से ईमेल पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने अपना सही सही ईमेल उसमें एंटर कर रखा है, आप लोगों ने व्हाट्सएप को अपना ईमेल आईडी दे रखा है तो आप लोग व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का जो टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन है उसको डिसेबल कर दिया जाए। और जैसे ही आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों के ईमेल पर एक लिंक आएगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग दोबारा से अपने ओटीपी के थ्रू ही अपने व्हाट्सएप पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर आप लोगों का जो अकाउंट है वो दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते समय अपना ईमेल एड्रेस उनको नहीं दिया है और आप लोग अपने पिन को भी भूल चुके हैं तो आप लोगों को 7 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन तक का आप लोग बिना पिन के अपने व्हाट्सएप पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन 7 दिनों के बाद आप लोगों का जो पिन है उस पर आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को 7 दिन तक का वेट करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने ईमेल आईडी नहीं दिया होगा अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को इनेबल करते समय। और जैसे ही ये 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपने व्हाट्सएप लास्ट टाइम यूज़ किया था उससे 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग दोबारा अपने ओटीपी के थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दो ही केस हैं, अगर आप लोगों ने ईमेल दिया है तो आप लोग व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप लोगों का टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल कर दे, जिस केस में वो तुरंत आप लोगों का टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल कर देगा। और अगर आप लोगों ने ईमेल नहीं डाला है तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, 7 दिन तक का वेट करना होगा और 7 दिन के बाद आप लोग बिना पिन के अपने व्हाट्सएप में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग 30 दिन के बाद एक्सेस करते हैं तो आप लोगों का जो अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया जाएगा और दोबारा से आप लोगों का जो अकाउंट है वो दोबारा से व्हाट्सएप में रजिस्टर होगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर रखा है और आप लोग अपने पिन को भूल जाते हैं तो आप लोग दोबारा से इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को इनेबल कर रखा है और आप लोगों ने ईमेल एड्रेस डाल रखा है तो आप लोग कैसे एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करने के लिए और फिर बिना पिन एंटर करें आप लोग अपने व्हाट्सएप में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने व्हाट्सएप में। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में और यहाँ पर ये देखिए मेरा जो व्हाट्सएप है ये बिल्कुल चल रहा है। मैं यहाँ पर से किसी को भी मैसेज भेज सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद इसको दोबारा से इंस्टॉल करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप को दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर से प्ले स्टोर में गया और उसके बाद मैंने यहाँ पर से व्हाट्सएप मैसेंजर जो है उसको सर्च कर दिया। यहाँ पर ही देखिए हमको मिल गया व्हाट्सएप मैसेंजर, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर से ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर से इसको एग्री कर देता हूँ। परमिशन मांग रहा है, मैं यहाँ पर से इसको परमिशन अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करके इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए व्हाट्सएप ने मेरे ये वाले जो नंबर है इसमें एक ओटीपी भेज दिया है, और उसके बाद यहाँ पर से इसने खुद भी डिटेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मेरे पास वही मैसेज आ गया है जिसमें ये लिखा हुआ रहा है, दिस अकाउंट इज प्रोटेक्टेड बाई टू स्टेप वेरीफिकेशन, एंटर द पिन यू क्रिएटेड। तो जो भी हम लोगों ने पिन क्रिएट करा था उसको हम लोगों को यहाँ पर एंटर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैं अपना पिन भूल चुका हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक छोटा सा एक लिंक बना हुआ है फॉरगेट पिन का, आप लोगों को यहाँ पर से इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से फॉरगेट पिन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर से फॉरगेट पिन पर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए एक मैसेज लिखा हुआ आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू एडिट एन ईमेल एड्रेस वाइल सेटिंग अप टू स्टेप वेरीफिकेशन यू कैन रीसेट यूर पिन वाया ईमेल। तो आप लोग अपने पिन को ईमेल से रीसेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 6 days यू कैन रीसेट यूर व्हाट्सएप अकाउंट टू कंटिन्यू विदाउट अ पिन। तो अगर आप लोग 6 दिन के बाद इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में आप लोगों का जो डेटा है वो यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा, जो आप लोगों के पेंडिंग मैसेज हैं वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग बिना पिन के व्हाट्सएप में एंटर करेंगे तो जो भी आप लोगों के मैसेज हैं वो यहाँ पर से डिलीट कर दिए जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से आते हैं दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन पे। आ गया हूँ मैं यहाँ पर से दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन पे। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से इसको सेंड ईमेल पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से सेंड ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मेरे पास एक मैसेज लिखा हुआ आ चुका है जिसमें लिखा हुआ, अ मैसेज वॉज सेंड टू द ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद योर नंबर। तो जो हम लोगों ने उसमें ईमेल एड्रेस डाला होगा उसमें एक मैसेज जो है वो आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ईमेल पे जाते हैं और उस मैसेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने ईमेल पे। मैं यहाँ पर से अपने मोबाइल फ़ोन पे अपना ईमेल खोल लेता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, ईमेल आ चुका है व्हाट्सएप से जिसमें लिखा हुआ है व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन रीसेट। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको खोलना होगा। मैं यहाँ पर से इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से देखिए इन्होंने एक लिंक दिया है जिस लिंक की हेल्प से हम लोग अपना जो टू स्टेप वेरीफिकेशन है उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से ये जो लिंक दिया है इस पर क्लिक करना होगा। मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर से इस लिंक पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, कंफर्म यू हैड लाइक टू टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉर योर व्हाट्सएप अकाउंट। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इसको कंफर्म करना होगा। मैं यहाँ पर से कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए मेरे पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है, टू स्टेप वेरीफिकेशन रिमूव हो गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टू स्टेप वेरीफिकेशन हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम योर व्हाट्सएप अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से व्हाट्सएप पे जाते हैं। यहाँ पर से मैं दोबारा से व्हाट्सएप पे आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसने अपने आप ले लिया, इसको पता चल गया है कि टू स्टेप वेरीफिकेशन जो है वो हट चुका है। अब यहाँ पर से इसको हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, एक तो अगर हम लोग अपने बैकअप को लेना चाहते हैं तो बैकअप को ले सकते हैं, अगर हम लोग इसको स्किप करना चाहते हैं तो हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से रिस्टोर पर क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा जो बैकअप है वो मैं उसको ले लूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने बैकअप ले लिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी जो इमेज है वो आ चुकी है और उसके बाद मेरे को यहाँ पर से नेम या कोई भी चीज़ एंटर करने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से अपना अकाउंट जो है उसको दोबारा से सेटअप कर सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप पासवर्ड वेरीफिकेशन को इनेबल कर रखा है और आप लोग उसका पिन भूल चुके हैं तो आप लोग उसको रीसेट कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप लोग टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल करें तो आप लोग अपना ईमेल उसमें डाल दें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी घंटी को दबा लें, उससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।